हेलो एवरीवन। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सप्लिसिट इंटेंट के बारे में और हमने उस पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसके ज़रिए हमने अपनी मेन एक्टिविटी से एक सेकेंड एक्टिविटी को कॉल किया था। तो आज हम देखेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में जिसका यूज़ हम करते हैं अपनी ऐप से एक दूसरी ऐप को कोड करने में जो कि हमारे फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको पहले क्लोज करते हैं और एक फाइल में जाएंगे हम, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी सेट करते हैं हम, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ नाम देंगे अपनी एप्लीकेशन को। मैं नाम दे रहा हूँ अंडर या फिर एक्सप्ली, सॉरी सॉरी, इम्प्लीसिट इंटेंट। पेज पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसका लेआउट फाइल डिज़ाइन कर लेते हैं। स्प्रेड व्यू में हम आएंगे, इसको हटाते हैं, लेआउट को हम लीनियर लेआउट करते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट से हटा के। अभी हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह लोड नहीं हुआ इसलिए ये एरर दिखा रहा है, ये लोड हो रहा है। तो सबसे पहले हम एडिट टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। एडिट टेक्स्ट विड्थ किसकी रखेंगे, मैच पेरेंट, हाइट रखेंगे डेप कंटेंट, हिंट सेट करते हैं इसके अंदर हम, एंटर योर नंबर हियर, आईडी सेट करते हैं इसके नंबर के नाम से, ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल रखते हैं, कुछ मार्जिन देते हैं इसको, मार्जिन टॉप 50 dp, मार्जिन लेफ्ट टू राइट से चेक करते हैं 10 डेंसिटी पिक्सल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल। इसको क्लोज करते हैं, एक और टेक्स्ट क्रिएट करते हैं सेम बिल्कुल इसकी तरह। इस पहले हम सब मिलियर लेआउट की ओरिएंटेशन डिपेंड करते हैं, ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब इसकी आईडी चेंज करते हैं सेल टेक्स्ट की, इसको करते हैं लोकेशन, यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर लोकेशन हियर। आज हम थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हम दो बटन क्रिएट करेंगे, बटन रैप कंटेंट, रैप कंटेंट टेक्स्ट सेट करते हैं इसका, कॉल आईडी सेट करते हैं कॉल, ग्रेविटी लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल, मार्जिन टॉप 10 डेंसिटी पिक्सल। अब सेम कोड कॉपी करते हैं और एक और बटन क्रिएट करेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट देंगे हम लोकेट, आईडी भी लोकेट ही दे देते हैं। तो हमारा बटन क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अपनी जावा फाइल में जाते हैं और जल्दी से कोड लिखते हैं इसके लिए। सबसे पहले अपने दो एडिट टेक्स्ट और दो बटन क्रिएट करते हैं हम। कोई रेफरेंस देते हैं,
अब इंसर्ट करते हैं। तो हमने अपने बटन ऑब्जेक्ट और डेटा के बिट क्रिएट कर लिए। अब जल्दी से अपने बटनों के लिए कोड लिखते हैं। तो कॉल वाई बटन का नाम है डॉट सेट ऑन पिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन पिक लिसनर। जब हम इसके लिए डिफाइन करेंगे हमें क्या करना है इस बटन से, तो सबसे पहले एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम। इंटेंट जैसे कि हमने कल किया था एक्सप्लिसिट इंटेंट के लिए, इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब बेसिकली हमने उसमें क्या किया था, एक्सप्लिसिट इंटेंट में हमने यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए थे। पहला पैरामीटर था हमारी करंट एक्टिविटी, जो हमारी करंट एक्टिविटी उसकी क्लास, और सेकंड पैरामीटर था कि जिस एक्टिविटी पे हमें जाना है या स्विच करना है उस एक्टिविटी की क्लास। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट इंटेंट की, तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक्शन डिफाइन करते हैं कि इस इंटेंट के जरिए हम करने के वाले हैं। तो हमने कॉल वाला बटन दिया, तो इससे बेसिकली हमें कॉल करनी है एक पर्टिकुलर नंबर पे। तो एक्शन डायल हम इसका सेट करेंगे, एक्शन डायल कोमा URI। अब बेसिकली URI क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर कुछ इस पर पास करते हैं स्ट्रिंग जो कि हमें यूज़ करने वाली है उस इस पर्टिकुलर एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो URI डॉट पार्स मेथड है, और अब हर किसी एक्शन के लिए एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जो हमें यूज़ करना है। अब जैसे कॉल के लिए हम क्या लिखते हैं, टेल, ये हमारा इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो भी हमने लिखा है। और आगे हम अपना नंबर पास कर देंगे जो हमने इधर से इनपुट लिया है, इसको देते हैं हम नम। तो नंबर हम इनपुट लेते हैं इधर से, तो स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे नम के नाम से, इक्वल टू जो हमारा नंबर है उससे गेट टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड करी है ट्रिम। तो ट्रिम का क्या काम होता है, जो लेटिंग स्पेसिस होते हैं, ट्रेडिंग स्पेसिस होते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हमारे इनपुट में है उसको ये हटा देते हैं। उसको क्लोज करते हैं और अपनी स्टार्ट एक्टिविटी को कॉल करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। अब हमें एक काम और करना है, एक बार दोबारा मेन एग्जाम्पल फाइल में जाएंगे हम। जो हमारा नंबर वाला डिटेक्ट है इसका हम इनपुट टाइप डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एंटर नंबर है लिखे, लेकिन यूज़र कोई अल्फाबेटिक इनपुट डाल देता है तो उस पर तो हम कॉल कर नहीं पाएंगे। तो इसका हम एक पर्टिकुलर इनपुट डिफाइन कर देंगे जिससे खाली एक स्पेसिफिक टाइप का इनपुट लेगा। तो इनपुट टाइप को हम कर देते हैं नंबर, जिससे खाली यूज़र नंबर एज ए इनपुट डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अब स्टार्ट एक्टिविटी कॉल, अब हम अपने दूसरे बटन के लिए कॉल लिखते हैं, लोकेट डॉट सेट ऑन पिक लिसनर। अब जैसे हमने इस कॉल बटन के लिखा, सिमिलरली इसके लिए हम सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं लोकेशन लॉक लोकेशन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। इसको हम क्लोज करते हैं और सिमिलरली एक इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अब इसका एक्शन हम व्यू डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें ये लोकेशन व्यू करनी है उसके अंदर मैप के अंदर। तो एक्शन एक्शन व्यू देखते हैं हम कहाँ पे इसके अंदर, ये हमारा एक्शन व्यू है। अब उसी तरह URI पास करेंगे इसके अंदर। अब जैसे उसका एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट था, तो इसका भी एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, वो क्या है, जियो 0.0 क्वेश्चन मार्क
इक्वल बेसिकली क्यू इक्वल टू जो चीज़ें क्वेरी क्रिएट करने के लिए होते हैं, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ अपनी लोकेशन पास कर देते हैं और इसको क्लोज करते हैं और अपने इंटेंट को कॉल करते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने ऐप को रन कर देखते हैं, देखते हैं काम करते हैं नहीं। तो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर डाल देखते हैं, कुछ भी नंबर डालते हैं, कॉल पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने नंबर इनपुट किया वहाँ पे हमारा कॉल की ऐप खुल चुकी है और डायलर के अंदर हमारा नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली इनपुट हो चुका है। तो चलिए अब लोकेशन वाला हम उसको देखते हैं, अपनी लोकेशन डालते हैं। लोकेट पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी लोकेशन भी इसके अंदर मैप, हमारा गूगल मैप खुला है, उसके अंदर हमारी लोकेशन अपने आप इनपुट हुई और ऑटोमेटिकली हमारी लोकेशन सर्च हो चुकी है, वैसे हमें लोकेशन दिखा दिया है। तो इस तरह हम अपने इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक्शन डायल देखा, एक्शन व्यू देखा, ऐसे बहुत सारे एक्शन हैं। एक आप अपने कैमरा ओपन कर सकते हैं जिससे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही सारे एक्शन हैं जिसको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।